उनके पास दुनिया की तमाम महंगी गाड़ियों का काफिला है, खुद का एक चॉपर विमान है, हेलीकॉप्टर भी रखते हैं। साल 2010 में 139 करोड़ रुपए का बंगला दिल्ली में खरीदा। वे एक बाकमाल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल पायलट हैं, दो बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनका वार्षिक वेतन 144 करोड़ रुपए है। कुल संपत्ति 29,600 करोड़ रुपए है। शूटिंग गेम में नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम है, तो पोलो भी खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं जिंदल पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल की। लाइफस्टाइल ऑफ लीडर्स सीरीज में आज हम आपको बताएंगे नवीन जिंदल के बारे में, उनके तिरंगा प्रेम की कथा सुनाएंगे, तो शूटिंग और पोलो को लेकर उनके जुनून की भी बात करेंगे। 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले उनके मकान के बारे में जानेंगे, तो उनके सियासी सफर पर भी नज़र डालेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हिसार में उद्योगपति ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल के घर हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल से आरंभिक शिक्षा ली। 1990 में दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एमबीए किया। 28 मई 1994 को नवीन जिंदल की शादी शालू जिंदल से हुई। शालू एक प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर हैं। नवीन जिंदल की अगर संपत्ति की बात करें तो उनके पास कुल 29,652 करोड़ रुपए की जायदाद है। वे जिंदल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन हैं और उनकी मासिक सैलरी 12 करोड़ रुपए है, यानी वे हर साल 144 करोड़ रुपए वेतन लेते हैं। नवीन जिंदल के पास दुनिया की एक से एक महंगी गाड़ियाँ हैं। उनके पास बेशुमार गाड़ियों का काफिला है, रोल्स रॉयस, जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां उनके पास हैं। उनके पास करीब 50 करोड़ रुपए कीमत की कारें हैं। उनके पास खुद का चॉपर विमान है। नवीन जिंदल का बंगला देश के चंद महंगे मकानों में शुमार है। साल 2010 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस जोन में 129 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा। यह बंगला किसी महल से कम नहीं है। वर्तमान में इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। जिंदल के पास दिल्ली मुंबई के अलावा हिसार और कुरुक्षेत्र में भी घर हैं। देश के कई राज्यों में उनके स्टील के कारखाने हैं। एक उद्योगपति से राजनीति में आने का उनका सफर दिलचस्प रहा। उनके पिता ओपी जिंदल पहले से राजनीति में थे। उनके पिता ही उन्हें राजनीति में लेकर आए, जबकि नवीन के अन्य तीनों भाई राजनीति से दूर हैं। नवीन जिंदल ने 2004 के संसदीय चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 3,62,000 वोट लेते हुए इनेलो के अभय सिंह चौटाला को करीब 1,60,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2009 के चुनाव में उन्होंने 3,97,000 वोट लेते हुए इनेलो के डॉक्टर अशोक अरोड़ा को करीब 1,18,000 वोटों से पराजित किया। साल 2014 का संसदीय चुनाव नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी से हार गए, जबकि 2019 में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। सियासत से हटकर बात करें तो नवीन जिंदल एक प्रोफेशनल पायलट हैं। बेशक मार्च 2005 में नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल की एक विमान हादसे में मौत हो गई, पर नवीन जिंदल अक्सर अपना चॉपर खुद चलाते हैं। नवीन जिंदल एक बाकमाल खिलाड़ी भी हैं। वे प्रोफेशनल शूटर हैं। 2004 में पाकिस्तान में हुए दक्षिण एशिया गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वे शूटिंग में नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शूटिंग में वे 4 इंटरनेशनल, 20 से अधिक नेशनल मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पोलो में कुल 25 मेडल ले चुके हैं, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी 30 अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। वे प्रोफेशनल पोलो प्लेयर भी हैं। उन्हें योगा करना भी अच्छा लगता है। अपने घरों, कारों और कपड़ों पर तिरंगा लगाने की जो आज़ादी और गर्व हमारे पास है, वो नवीन जिंदल की ही बदौलत है। तिरंगे का इस्तेमाल करने को लेकर उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम से एक मुहिम की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 1995 में इस सिलसिले में कोर्ट में एक याचिका दायर की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने वाहन, घरों और कपड़ों पर तिरंगा लगाए जाने की इजाज़त दी थी। नवीन खुद अपने हाथ में तिरंगे का ब्रेसलेट पहनते हैं और अपनी कमीज पर तिरंगा लेपल लगाते हैं। आज पूरे देश में यह एक गर्व का विषय बन गया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में 121 मीटर ऊंचा तिरंगा लगवाया। वे एक कामयाब उद्योगपति भी हैं। वे कई बार
बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। नवीन जिंदल का समूह दान पुण्य में भी आगे है। कुरुक्षेत्र का सांसद रहते हुए उन्होंने 10,92,00,000 रुपए की राशि सांसद विकास निधि से तो खर्च की ही, इसके साथ ही उन्होंने ओपी जिंदल जन कल्याण संस्थान के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में 45,55,00,000 रुपए से विकास कार्य करवाए। नवीन जिंदल की दिनचर्या के बारे में बात करें तो वे सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करने के अलावा वे अपने घर में ही बने पोलो ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं, जिम भी करते हैं। सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाते हैं। पहले सांसद थे तो कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी वक्त बिताते थे, अब पिछले कुछ समय से बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। वे नियमित रूप से शूटिंग और पोलो खेलते हैं। तो यह थी कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके और इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके नवीन जिंदल के लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी। अन्य नेताओं के लाइफस्टाइल और इसी तरीके के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।